नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सनी देओल के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानना चाहते थे कि गदर 3 के बाद में सनी देओल सर कौन सी फिल्म करने जा रहे हैं। तो उनकी बाप फिल्म तो आने वाली है जो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त प्रमुख भूमिका में उस फिल्म में है। लेकिन दोस्तों, कौन सी नई फिल्म साइन करने वाले थे, इसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा था। और अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है कि लाहौर 1947 फिल्म वो करेंगे, जिसे आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे और राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करेंगे। इस कारण से और इस बाबत एक ट्वीट किया गया है तरण आदर्श के द्वारा, फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के द्वारा, जिसमें आमिर खान की जो प्रोडक्शन कंपनी है AKP, यानी कि आमिर खान प्रोडक्शन, उन्होंने एक लेटर जारी किया और उसमें उन्होंने घोषणा की है कि सनी देओल सर, राजकुमार संतोषी और आमिर खान की कंपनी, आमिर खान प्रोडक्शन कंपनी के बीच में एक कोलोब्रेशन हुआ है, एक एग्रीमेंट हो गया है। और ये अब फाइनल हो गया है कि सनी देओल सर अगली फिल्म राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में करने वाले हैं, जिसको आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे। और दोस्तों, इस फिल्म का टाइटल लाहौर 1947 होगा। तो ये अब कन्फर्म हो गया, 100% कन्फर्म हो गया है। अब जल्दी ही ये घोषणा कर दी जाएगी कि इसमें उनकी सपोर्टिंग स्टार कास्ट क्या होगी, उनके साथ कौन कौन से कलाकार काम करने वाले हैं और फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी। अभी तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इसी वर्ष के अंत तक या फिर 2024 के शुरू में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी और 2025 में इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। और जल्दी पूरी हो गई तो हो सकता है कि 2024 में फिल्म को रिलीज कर दिया जाए, 15 अगस्त पे आ जाए तो और ही मजा है। 2024 में अगर जल्दी से अगर स्टार्ट टू फिनिश शूटिंग शेड्यूल में कंप्लीट किया जाता है तो फिर ये फिल्म आपको अगले वर्ष भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि 2024 की 26 जनवरी के आसपास ये फिल्म रिलीज की जा सकती है। तो एक और जबरदस्त फिल्म आने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक शंका जरूर उठती है क्योंकि ये असगर वजाहत नाम की लेखक है, उन्होंने कुछ किताबें लिखी है, उनकी किताब पर आधारित है। तो इसमें एक कहानी ये है, थोड़ी बहुत कहानी का जो बेसिक आइडिया आ रहा है वो ये है कि एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जो लखनऊ से लाहौर जाता है और वहां जाकर के एक हिंदू परिवार के साथ एक पैतृक हवेली में रहता है और उसको वहां से किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हिंदू महिला को वहां से हटाना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ सनी देओल लड़ाई करता है। इस तरह की कहानी कुछ समझ में आ रही है। तो इस कहानी को अब दर्शकों की कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है ये बात जरूर देखने वाली होगी, क्योंकि दोस्तों अभी तक सनी देओल सर ने इस प्रकार का रोल किया नहीं है। क्योंकि तारा सिंह एक सिख सरदार के रोल में वो थे, अब मुस्लिम के रोल में वो नजर आने वाले, मुस्लिम परिवार के मुखिया के रोल में नजर आएंगे, मुस्लिम परिवार की फैमिली के रूप में नजर आने वाले हैं। तो इसको अब किस तरह से लोग लेते हैं ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। और दूसरा डाउट ये है कि दोस्तों, अगर यही कहानी है फिल्म की, हो सकता है कहानी में चेंज किया जाए, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इसको जो उनके प्रशंसक है वो किस रूप में लेते हैं, क्योंकि सनी देओल सर की जो इमेज है वो दोस्तों एक मतलब एक देशभक्तिपूर्ण फिल्म बनाते हैं वो। और दोस्तों हमेशा मतलब एक उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो मतलब एक देशभक्ति से परिपूर्ण, मतलब एक जबरदस्त तरीके की डायलॉग डिलीवरी होती है। तो यहाँ पे अब आमिर खान की जो आइडियोलॉजी है इससे आप परिचित अच्छी तरह से, और जो राजकुमार संतोषी, उन्होंने भी हालांकि घायल घातक दामिनी जैसी फिल्में बनाई है, लेकिन मोहल्ला 80 जो बनारस में आधारित थी उसमें थोड़ी सी मतलब सनातन के खिलाफ टाइप की फिल्म मुझे वो लगी थी। तो अभी और गांधी वर्सेस गोडसे उन्होंने फिल्म बनाई थी, गांधी वर्सेस गोडसे एक युद्ध, उसमें भी उन्होंने गांधी जी को ही ज़्यादा महिमा मंडित किया था। गोडसे को एक तरीके से एक नायक की तरह पेश नहीं किया था, खलनायक की तरह, मतलब हालांकि विचार दोनों के व्यक्त किए थे लेकिन एक मतलब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई थी वो फिल्म। तो यहाँ पे ये डाउट जरूर आ रहा है दोस्तों कि ये सनातन के खिलाफ हिंदू, क्योंकि इसमें भी हिंदू मुस्लिम तो होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है, तो उनके थोड़ा खिलाफ नहीं हो जाए ये फिल्म, और सनी देओल सर की जो इमेज है, जिस तरह की इमेज है, उस इमेज को नुकसान नहीं पहुंचे, ये सनी देओल सर को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो स्क्रिप्ट भी अच्छी तरह वो ध्यान दे ले, और शायद फटी भी होगी उन्होंने स्क्रिप्ट अच्छी तरह से, उनको पता है कि उनके प्रशंसक और ज्यादातर उनके जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग उनके सनी देओल सर के फैन हुआ करते हैं, सनातन प्रेमी भी उनकी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, सनातन को मानने वाले लोग उनकी फिल्म को सपोर्ट करते हैं। गदर 2 को इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बनाया है उन्होंने, तो अपनी इमेज के खिलाफ कहीं वो नहीं चली जाए, क्योंकि बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है वो आप जानते हैं किस तरह की फिल्में बनाते हैं। तो आमिर खान जब इस फिल्म से जुड़े हुए हैं और राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन
कुछ फिल्मों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है जो डाउट पैदा करता है, तो इन बातों से सावधान रहना होगा सनी देओल सर को, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो बड़े प्रोडक्शन के चक्कर में कुछ ऐसी फिल्म बना दे जिससे उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो नाराज हो जाए। ये एक मेरे दिमाग में शंका जरूर चल रही है, आप अपनी राय बताइएगा दोस्तों। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बनाई जाएगी और बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई जाएगी। आमिर खान ने लिखा है अपने लेटर में कि सनी देओल बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और राजकुमार संतोषी उनके फेवरेट डायरेक्टर है, तो हम बहुत बड़े पैमाने पर एक बहुत लेविसली फिल्म बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाएंगे, तो बहुत बड़े बजट में ये फिल्म बनेगी, बजट की कोई समस्या नहीं रहेगी। और सनी देओल सर आप जानते हैं बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, उनका जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। भारत पाकिस्तान इसमें भी होगा, हिंदू मुस्लिम का भी जबरदस्त इसमें पैच डाला गया है। अब देखते हैं कितनी ईमानदारी से क्या सनी देओल की इमेज को ध्यान में रख करके ये फिल्म बनाई जाती है नहीं, जो कि आपकी राय बताइएगा। इतना जरूर तय है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका जरूर करेगी, तो एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए। और जो भी हमारे मन में संदेह है, मुझे लगता है सनी देओल सर अच्छी तरह से समझते हैं और इनको दूर वो जरूर करेंगे। आपकी राय बताइएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।